लेकर है, हम उसको बिल्कुल नहीं जानता है। इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश में हूँ करके बसर आपके संवाददाता। इस वक्त मैं आपको बता दूँ, मैं मौजूद हूँ रिलू अपर प्राइमरी स्कूल पे और मेरे साथ हेडमास्टर इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है। तो मैं सर से जानने की कोशिश करूँगा कि सर यह मिड डे मील बच्चों को कितनी बार दिया जाता है। मिड डे मील को एक्चुअली हम लोग को यह पूरा सप्ताह भर देना है, लेकिन इसमें थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम लोग वीक में आपको 3 टाइम्स दिया जाता है। तो मिड डे मील में आपका जो स्टोरेज है, स्टोर जो करके रखता है, और किचन आपके यहाँ पे किचन दिखाई नहीं दे रहा, तो किचन कहाँ पे? यहाँ मैं अभी किचन नहीं है, पहले जब स्टूडेंट ज़्यादा था हम अपना किचन बना देता था, आजकल किचन में स्टूडेंट बहुत कम है, इसलिए कुक जो है अपना घर से बना कर ले आता है। उसमें हम लोग पहले साल लोग को हम रूटीन बना देता है कौन कौन सा दे में टेस्ट करना है, पहले साल लोग मिड डे मील टेस्ट करने का बाद में बच्चा लोग को खिलाया जाता है। तो आपके में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? हमारे यहाँ में इस साल में सिर्फ 7 स्टूडेंट हैं। तो आप मैं बता दूँ, वन ये अपर प्राइमरी स्कूल है, यानी कि 1 से 8 तक यहाँ पे स्कूल का जो क्लास का सुविधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके 7 बच्चे सिर्फ पढ़ रहे। सर कितनी कितनी क्लास में कितनी कितनी बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ में आपका क्लास 1 में 3 स्टूडेंट है, 3 में 2 है और 4 में 2 है। तो अभी मैं सर के साथ में विजिट करूंगा स्टोर के, जहाँ पे मिड डे मील को स्टोर किया जाता है, उसका जो राशन को स्टोर किया जाता है, क्योंकि मैं जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हाइजीन फूड जो हाइजीन जो खाना है, हाइजीन जो चावल है बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए उससे पहले उसकी जो जगह है वो हाइजीन होना पड़ेगा। तो मैं स्टोर में सर के साथ विजिट करता हूँ। इस वक्त मैं मिड डे मील के स्टोर पर हूँ, तो मैं अपने कैमरामैन द्वारा दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे चावल, राशन, पानी, इस पर दाल है पूरा मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर ये इसके आपके कन्वर्शन कोर्स किस प्रकार आपको दिया जाता है? कन्वर्शन कोर्स का पहले हम लोग दुकान से लेकर के कैश में बना कर ऑफिस में सबमिट करके बिल लेता था। इस साल 11 साल से हम लोग ऑफिस का तरफ से आलू, प्याज, दाल, एवरीथिंग ऑफिस से ही आ जाता है। तो सर अभी यहाँ पे कुछ कंप्यूटर जो मौजूद है सर, ये आपका स्कूल को दिया वाला कंप्यूटर है सर? ये पहले जब हम लोग का मिडिल स्कूल में अच्छा से फंक्शन होने का समय में ये कंप्यूटर सप्लाई दिया, अभी उसका एक्सपायर हो गया, वो ये पहले बहुत दिन हो गया, हम ऐसे पिकने का लाइक है लेकिन हम ऐसे स्टोर करके रख दिया है। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीरोक्स मशीन है, यहाँ पे कंप्यूटर है, पूरा सेट है यहाँ पे। सर इस ये कंप्यूटर आपका सर टीचर कौन है यहाँ पे? यहाँ मैं हम यहाँ मैं हमारा 10th पढ़ाया वाला, ये मैं 2017 अक्टूबर में आया था, उसी से ये डैमेज होकर है, हम उसको बिल्कुल नहीं जानता है, उसको डैमेज में है। उसमें पहले कंप्यूटर का ये ऑपरेटर आया था नहीं, उसको भी हम बिल्कुल पता नहीं है। सर यहाँ में कंप्यूटर क्लास कहाँ पे? कंप्यूटर क्लास यहाँ में है ही नहीं अभी। तो मैं आपको बता दूँ, ये आप पर ये प्राइमरी स्कूल रिलू पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर जो सेट यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे सीपीयू पहले से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन इस स्कूल में अभी तक कंप्यूटर के क्लास नहीं है। और मैं सर से जैसे बताया है, सर ने यहाँ पे वो टीचर कौन है इसे भी सर मालूम नहीं अभी तक। मालूम नहीं उसका, हम पहले ये किया था होगा, हम 2017 आया उधर से, मैंने यहाँ में कंप्यूटर क्लास नहीं चल रहा है। बच्चों को कंप्यूटर का जो शिक्षा और ज्ञान देना है, ये हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि आज के दिनों में 2021 के जो वर्ष है, इस पर पूरे बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान देना चाहिए, इसीलिए हर स्कूल पर कंप्यूटर मुहैया किया गया है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि कंप्यूटर जो ऐसा या बेकार यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो किसी का काम आ सकता था, लेकिन इस स्कूल पे आप देख सकते हैं ये बेकार का पड़ा हुआ। और मैं जैसे सर ने कहा है कि कंप्यूटर के ना ही यहाँ पे क्लास है, ना ही टीचर है यहाँ पे, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि स्कूल का कंडीशन कैसा है सर। और यहाँ पे सर टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है सर? 7। यहाँ टीचर कितने? टीचर प्रेजेंट वाला 4 है, नाम में आपका 6 है, लेकिन प्रेजेंट वाला 4 है, कंटिन्यू यहाँ क्लास करने वाला। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 6 टीचर है, 6 से 4 यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट है सर। 2 कहाँ गया सर? 2 को एक तो आपका पे हुई थे कर रखा है, वो बहुत दिन से है, उसका ड्यूटी नहीं है, और एक तो काल परसों ज्वाइन किया था, वो यहाँ से कहीं अपना काम में चला गया है। अच्छा, मैं बता दूं, इस गांव के स्कूल में इस तरह का समस्या होता है, आपका जो टीचर को पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन टीचर जो है मौजूद नहीं होता है, इस तरह का होता है, ये आपका बहुत बार देखा गया इसे। तो मैं अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा,
सर नून का ही गीत हूँ, तो मेरा कैमरा के माध्यम से मैं यहाँ पे अभी बच्चों से भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आप देख सकते हैं क्लास 4 है रिलू स्कूल का, सर यहाँ पे ओनली 2 स्टूडेंट है अभी क्लास 4 में। तो मैं बच्चों के नाम सबसे, बेटा आपका नाम क्या है? कंकलिन। कंकलिन रिलू के, तो आप लोग पढ़ रहा है मैं? अच्छा ये है, देखिए यहाँ पे बच्चों ये क्लास 4 में बहुत दुख की बात है, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं इस गांव में, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि स्कूल काफ़ी खाली है यहाँ पे। ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि सरकार जब स्कूल बनाया तो हर माँ बाप का भी एक पर्स होता है कि वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, आपका अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर का नाम? यहाँ का एमएलए का नाम बताइए, लेपारादा का एमएलए का नाम? गोकर बासर। गोकर बासर, तो यहाँ का सीएम का नाम मालूम नहीं है आपको? नहीं। पेमा खांडू। अरुणाचल का कैपिटल? कैपिटल ईटानगर। ईटानगर। मेरे ये है हमारा रिलू के बच्चे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे इससे जैसे इंट्रोडक्शन किया हूँ मैं, तो अब मैं आगे जाता हूँ इससे। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये क्लास 1 पे हूँ मैं इस बार, देखिए तो मैं 1 के बच्चे को, क्लास 1 में आप 8 का स्पेलिंग को वर्ड में बता पाएगा आप? 8 का नहीं जानते आप क्लास 1 में? ओके, 8 का स्पेलिंग नहीं जानते? तू भी मालूम नहीं है? आप लोग नहीं पढ़ता है यहाँ में? पढ़ता है। तो क्लास 1 में तो आप 1-2 को जानना चाहिए, आप वहाँ पे लिखा है देखो, ओ नहीं 1TW, तो इसको मालूम नहीं है आप? 3 का स्पेलिंग? ये क्लास 1 का स्टूडेंट है शायद, काफ़ी 4 परफॉर्मेंस है यहाँ पे बच्चे, देखिए। तो मैं छोटी सी बच्चे से, आपका नाम? ममता रेबा। ममता रेबा, आप 1, 2, 3 जानते हैं? आपको 1, 2, 3 50 तक बोलो, 20 तक बोलो, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वेरी गुड। ये देखिए बच्चा बहुत टैलेंटेड है, काफ़ी छोटी उम्र का है लेकिन काफ़ी टैलेंटेड है, देख सकता है आप। तो मैं इसी तरह और एक क्लास में घुसने की कोशिश करूँगा, है ना? अच्छा आप जनवरी का स्पेलिंग बोलो तो, आप क्लास 3 में ना, जनवरी स्पेलिंग। अच्छा सैटरडे को, सैटरडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये आपका एक रियलिटी है, मैं बता दो, ये स्कूल में अभी जानवरी स्कूल पे हूँ आपका रिलू पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल आपके बन के यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट बहुत ही कम है, और बच्चों से जब भी सवाल कुछ करता हूँ बच्चे शायद सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो मैं बड़ी दुख से कहता हूँ। सर इसका कारण क्या हो सकता है सर, आपका ये टीचर वीकनेस है ना स्टूडेंट वीकनेस है सर? उसमें एक्चुअली हमारा टीचर अभी फिलहाल जितना है 4 टीचर है, वो बहुत अच्छा फंक्शन है, जिसमें जो एब्सेंट है उसका रूटीन देने वाला, वो उसको पूछने से वो बिल्कुल जवाब नहीं दे। इस साल ऐसे भी हुआ था, क्लास 5 का EBS में एक होकर गोजुम रिबा था, वो जो है क्लास को नहीं पढ़ाया, तो इसी में हम लोग का थोड़ा वीक, बहुत वीक हुआ था EBS सब्जेक्ट। ऐसे मैंने फिर अभी जितना पूछा उसका सब्जेक्ट टीचर यहाँ में नहीं होगा सर। अभी जैसे अभी संडे को हिंदी में क्या होता है, तो रविवार, सैटरडे, शनिवार, सर ये तो आपका कॉमन एक कॉमन क्वेश्चन हो जाता है सर। ये कॉमन क्वेश्चन का भी सर आपका बच्चा जो है रिप्लाई नहीं दे पा रहा है सर, इसका कारण सर क्या हो? उसका वो है तो मैंने कारण बच्चा का थोड़ा वीक भी है, मैंने फाउंडेशन में भी थोड़ा ये हुआ होगा। मैं अपना हमारा टीचर लोग को तो मैं कंडेम नहीं करूँ, बहुत अच्छा से फंक्शन करता है, लेकिन उसमें बाद में हम उसको और उन लोग को इन जनरल में भी सिखाने दे देगा टीचर लोग को। तो मैं अपील, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो DDC है लेपारादा के, वो इस समस्या पे गौर करें, और मैं सर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हम विजिट करेंगे सर, आपके जो बच्चे हमें, हम आशा करता है कि हमको जो जवाब हम पूछेंगे उसका जवाब मिलेंगे सर। थैंक यू सर। ये है न्यूरी अपर प्राइमरी स्कूल, यानी यहाँ क्लास 1 से 8 तक या बच्चे जो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पे अपग्रेडेशन क्लास जो बनाया गया है, लेकिन
ये दुख है, कभी बहुत मन को दुख होता है जब देखता है कि क्लास में स्टूडेंट जब दिखाई नहीं देता, काफ़ी दुख होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम अवेलेबल है। मैं आपके दिल्ली में जब मैं गया था वहाँ पे आपके क्या था, बच्चे जो है धूप में बाहर में बैठ के बरामदा में पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपका क्लासरूम नहीं है। लेकिन रिलू बस्ती में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम ऑलरेडी ओवरफ्लो या फिर क्लासरूम है और उस पर ये एक्स्ट्रा रूम यहाँ पे दिया गया है अपग्रेडेशन के लिए, यहाँ पे दे के रखा गया है। लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूँ, हमारे DDC से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह का समस्या को जांच और पड़ताल सही तरह से करें, क्योंकि सर कई स्कूल में बच्चों को कक्षा का अंदर जगह ना मिलते हुए एक कक्षा में दो क्लास पढ़ाया जाता है और कभी कभी मजबूरी इतना भी हो जाता है कि बच्चों क्लास पे नहीं बैठ के बरामदा पे बैठ के उसे शिक्षा दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम भरे पड़े हैं, पूरा क्लासरूम खाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, स्टूडेंट सिर्फ 7 है, क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4। यहाँ पे आपके कुछ ही बच्चे यानी कि 7 बच्चे हैं और यहाँ पे टीचर जो है 6 है, 6 में से 4 जो फंक्शनल है, आप देख सकते हैं फंक्शन है और 2 जो फंक्शन नहीं है, जिसके कारण सर ने बताया कि किसी का फेक को भी हेल्ड अप किया गया था। तो मैं बता दूँ इसलिए DDC इस बात पे गौर करे और इस समस्या पे थोड़ी रोशनी डाले सर। तो मेरे साथ रिलू के GPM ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है जो इस स्कूल का कंट्रैक्टर भी है वो। तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगा सर, ये स्कूल कौन सा स्कीम में बनाया गया था सर? सर ये हम लोग 2020 में MSDP स्कीम में बनाया था, तो इसका टेंडर प्रोसेस हुआ था बाजार में, तो BDO बाजार के अंदर में, तो टेंडर करने वाला सर 2020 को था। उसका बाद में हम लोग ये घर को जो है हम लोग सब बस्ती वाला जो है बनाया है, जो रिलू स्कूल में जो है 2 क्लासरूम आया है बोल के ना सर। तो हम लोग सर बताना चाहता हूँ ये जो क्लासरूम है कंट्रेक्टर हमको बनाया गया है, लेकिन ये बस्ती वाला सब जो है चंदा उठा के, हम लोग का इधर में 56 फैमिली है, मतलब हाउस है रिलू में, हम लोग एक एक घर जो है इसको चंदा उठा के हम लोग सर बनाया है इस घर को। तो अभी तक जो है तो स्कीम टेंडर हो गया, तो उसके बाद में BDO ऑफिस में पूछताछ करने के लिए जाता है तो बोलता है अभी तक पैसा आया नहीं है, तो पैसा एलोंग से रिलीज होकर भी आया था लेकिन बताया है पेमेंट वेबसाइट बंद हो गया, ऐसा हुआ है बोल के। अभी सर 1 महीना पहले हम लोग ईटानगर जाकर बहुत तकलीफ करके जो है एलोकेशन भी करके अभी पंड जो है आलो में आया है बोला, आलो डीपीओ में आया है, तो आलो डीपीओ जो है सर बासर BDO को पेपर भी दिया है, पेपर तो हमारा पास भी है, अभी चाहने से आप लोग को दिखा भी सकता हूँ। तो बासर BDO और जय सर लोग जो है अभी तक तो सर इसको जो है उन लोग अच्छा से देखभाल नहीं कर दे रहा है, हम लोग गाँव वाला को जो है बहुत तकलीफ दे रहा है, यही बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन का तो नहीं हुआ सर आपका? नहीं सर, वो हम लोग जो है ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने से पहले वो ठीक कर देगा, बाकी सब सर ठीक कर दिया है। तो हम लोग आपको बताना इसलिए चाहता हूँ, हम लोग गांव वाला पैसा कलेक्शन करके इसको बनाया, अभी तो पैसा हम लोग रनिंग बिल मिलेगा तब सर बाकी को बना देंगे ना, अभी केवल हमारा बाकी हुई है इलेक्ट्री लगाना बाकी है। तो मैं DPO आलो से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो पैसा जो वहाँ पे काम के जो MSDP के जो आके रुके हुए हैं उसे जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए बासार BDO पे, क्योंकि ये जो काम है या जितने भी काम डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज जो आते हैं गांव में, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके घर को बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं बता दूँ यहाँ पे घर जो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ही रुका हुआ है, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जैसे ही पेड होगा आप लोग शुरू कर देंगे काम को। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द DPO साहब आप रिलीज़ करें और BDO के हाथ पे जाए, और मैं जितनी इंजीनियरिंग है और जो टीम है BDO के वो जल्द से जल्द निरीक्षण करे इस पर, विजिट करने के बाद UC जल्द से जल्द क्लियर करे इस पर, मैं ये आपसे अपील करता हूँ। और मैं DDC से भी अपील करता हूँ और हमारे डिप्टी कमिश्नर लफर राधा से भी मैं यही अपील करूँगा कि आप इस जो कार्य है इस कार्य पे आप ध्यान दें, और जो फंड जो फंसा हुआ है बच्चों के हेल्थ के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए आप देखते हुए जल्द से जल्द रिलीज करें। ठीक।